सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ चुकी हूँ मैं एक बार फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है स्टैनी आर्मी के लिए, एमसी स्टैन का गाना होने वाला है अशतगफिरुल्लाह। तो चलो जल्दी से सुनते हैं, आई एम सो एक्साइटेड। गाने का मतलब गाने का जो नेम है वही बहुत मीनफुल है, मतलब अशतगफिरुल्लाह, मतलब जब हम अपने गुनाह से तौबा करते हैं तो ऐसे बोलते हैं अशतगफिरुल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया। तो गाने का मतलब गाने का नाम ही बहुत प्यारा है, तो मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि गाना कैसा होने वाला है। तो चलो बिना लेट किए सुनते हैं, लेट्स गो। ए सुनना माम, वो तस्वीर किधर रखी लिए रे? अरे जींस में रे माँ, वो तस्वीर नहीं क्या? हेलो, अरे मांग को रुलाया मैंने काफी उस बात की मांग रहा मैं माफी। ओ भाई, वेरी हार्ट टचिंग लाइन यार। बहुत बार गलती करते हैं, हम सब करते हैं, और उस बात से मम्मा का दिल दुख भी जाता है, किसी भी कुछ भी रीजन हो सकता है। लेकिन आगे गाना कंटिन्यू करते हैं भाई, उसके बाद मैं कुछ बोलूंगी। अभी पहले लाइन में मैं थोड़ी सी स्पीचलेस हो गई हूँ कि भाई मतलब इतनी सी बात है लेकिन उसकी मीनिंग निकालने जा रहा हूँ तो इतना निकलता है भाई। तो बहुत ज़्यादा मीनफुल बात कही है भाई ने, उसका बहुत सारा मीनिंग है कि कुछ भी मतलब कभी भी हम गलती करते हैं जिससे मम्मी का दिल दुख जाता, कोई जान के दुखाता, कोई अनजाने में दुखाता, लेकिन मम्मी रो तो देती है ना भाई, वो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है कि नहीं। दारू पिया मैंने आज, सोच के थोड़ी तो भी निकलेंगी फीलिंग्स। मेरे मैनेजर को बोला मैंने कभी तक देखू मैं वर्ली का सड़ेला सीलिंग, डेलिंग मार डालो मेरे को मेरे मर गए फीलिंग्स। सड़ेला सीलिंग, ओएमजी स्टैनी ब्रो क्या बोल रहे हो आप? के बिना मेरे को आदत, दारू पिया मैंने आज, सोच के थोड़ी तो भी निकलेंगी फीलिंग्स। मेरे मैनेजर को बोला मैंने कभी तक देखूं मैं वर्ली का सड़ेला सीलिंग, डेलिंग मार डालो मेरे को मेरे मर गए फीलिंग्स। सड़ेला सीलिंग भाई, रियली स्टैनी भाई स्टैनी है, मतलब जो बंदे उसको देखने के लिए स्पेशली वहां पे जाते हैं, और भाई भाई को पसंद ही नहीं है। ओ भाई, नशे के बिना मेरे को आ रही नहीं फीलिंग, मैं झूठ बोलना चाहता पर ना सच निकल जाता, मेरा हर एक पार्ट यहाँ पे सच बोलना चाहता। मैं हक से मैं गरीब, हक से मैं गंजेड़ी, हक से मैं छपरी, उसका रीजन था बस्ती। मैं बस्ती का हस्ती पर बस्ती के बच्चे लोग की फ्री में थी मस्ती, मैं जिंदा हूँ अभी, मेरे को कभी कभी मस्जिद में एंट्री नहीं मिलती, मेरे को फील होता गिल्टी, लेकिन एक रीजन से मिलती, बड़े बाल सिल्की, मतलब पीछे वाली लाइन बहुत डार्क थी ब्रो, सुनना है के बच्चे लोग की फ्री में थी मस्ती, मैं जिंदा हूँ अभी, मेरे को कभी कभी मस्जिद में एंट्री नहीं मिलती, मेरे को फील होता गिल्टी। अरे भी भाई, कभी कभी मस्जिद में एंट्री नहीं मिलती, ऐसा हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है कि मस्जिद में एंट्री नहीं मिलती है। जैसे जैसे हम जाते हैं ना तो वहाँ पे एकदम प्रॉपर वैसे जाओ तो ठीक है, और अगर नहीं जाने से एंट्री नहीं देते तो भाई उस टाइम भाई को क्या फील होगा भाई, कि हम अपने जब हम क्या बोलूँ मैं इस चीज़ पे, मतलब मैं वर्ड में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं सोच भी नहीं सकती कि अगर मैं ऊपर वाले के सामने सर झुकाने जा रही हूँ मुझे रोक दिया जाए भाई, गूज़बम्स यार। गाना आगे सुनते हैं। लेकिन एक रीजन से मिलती, बड़े बाल सिल्की, मतलब हुजूर की ज़ुल्फ़े देखो समझेगा नहीं। दुआ दुआ अस्तगफिरुल्लाह में अल्लाह से मांगा था माफी, दुआ दुआ अस्तगफिरुल्लाह में अल्लाह से मांगा था माफी, दुआ दुआ अस्तगफिरुल्लाह में अल्लाह से मांगा था माफी, माफ करो साफ करो, भाई ये गाना सुन के ना मेरे मन को बस एक चीज आ रहा है कि मैं एमसी स्टैन को सुन रही हूँ और एक मैसेज के तरह कुछ चीजें मैं ले रही हूँ। तो भाई ने कहा कि माँ को रुलाया मैं काफी, इसलिए मैं अल्लाह से मांग रहा माफी अस्तगफिरुल्लाह। तो इसलिए मेरा भी मन कर रहा है कि अगर मेरे वजह से मम्मा कभी भी दुखी हुए रोए हैं
और मैं तो यही बोल रही हूँ कि जो भी स्टैनी आर्मी है ना, ये गाना सुनने के बाद एक बार मम्मा को जाके सॉरी जरूर बोलना, माफी एक बार मांग लेना उनसे। तो यही था, मैं भी रिएक्शन करने के बाद जाके बोलूँगी, ऐसे वीडियो में भी बोल रही हूँ सॉरी मम्मा अगर मेरी वजह से कभी आपका दिल दुखा हो तो, क्योंकि मम्मा ना मेरी वीडियो देखते हैं तो इसलिए मैं वीडियो में बोल दे रही हूँ, मैं बाद में भी बोलूँगी। तो ये बड़ी प्यारी चीज़ लगी कि दिल में कोई फीलिंग्स है तो बता देना चाहिए। मम्मा जैसे अगर हम लोग कुछ मम्मा की बातें बुरा लगती तो मम्मा फट से आके बोलते बेटा सॉरी ऐसा नहीं मतलब था मेरा, बट हम लोग वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों नहीं कर पाते। तो ये बड़ी प्यारी चीज़ है यार, बोल देना चाहिए, मम्मा को खुशी हो जाएगी, नहीं रोने से ज़्यादा उनको खुशी हो जाएगी, मेरा बच्चे इतना समझदार हो गया है। ऐसे में मम्मा ये वाली वीडियो देख के मेरी बहुत खुशी होने वाली है। चलो गाना आगे कंटिन्यू करते हैं। एंजाइटी होने लगी मेरे को हर एक दिन, हर एक सीन, हर एक पिन, हर एक मीम मेरे को याद आ रहा, मेरा बाप जाने का चार बारा धक्के से लगके पे माँ बाप पे चार खारा, आज मेरे को समझा मैं क्या करा क्यों करा, हट कुन से दूर करा, मजबूरी में गुल बना डूड बना, तभी जाके घर पे मेरे दो टाइम का फूड बना क्यूट बना शेक। ओ भाई मजबूरी में गुल बना डूड बना तभी जाके मेरे घर पे दो टाइम का फूड बना, भाई मतलब समझ रहे हो इस बात का, मतलब अभी वो जैसा भी ना भाई, मुझे वो किसी एंगल से गलत नहीं लगता। बहुत कोई बोलते हैं एमसी इस टाइम बेकार है, छपरी है, ऐसा है वैसा है, मुझे नहीं लगता भाई। अगर कोई भी इंसान अगर अपने मम्मी पापा का पेट भर रहा है, उनकी हर एक ज़रूरत कंप्लीट कर रहा है ना, तो वो कहीं से छपरी नहीं हो सकता भाई। क्योंकि बहुत ऐसे बंदे बोलेंगे उसको कि छपरी ऐसा वैसा है, लेकिन वो अच्छे रहे कि भाई ये काम नहीं कर पा रहे जो वो गलत होके कर रहा भाई। तो हैट्स ऑफ है बंदे को कि इतना सब कुछ उसको, एक तो वो मतलब मैं बोलने चाहूँ तो 10 बातें हैं अभी, लेकिन वो जिस चीज़ से निकल के जितने उसको सुनने मिली होगी भाई मैं समझ सकती हूँ, उसके बाद भी बंदा इस पोजीशन पे खड़ा है कि बस दिल से हैट्स ऑफ है बंदे को। मज़ा आया मुझे ये गाना सुन के, ये लाइन सुन के भाई कि सही यार, गलत नहीं बोलना चाहिए किसी को, वो जो कर रहा है बेस्ट है बेस्ट। साफ साफ लिखेला कुरान में सब बना, जीना बहुत गुना बहुत सुना, शैतान मेरा दोस्त बना, मैं क्या करूँ केयर करूँ पैर बढ़ू फोन ऑफ करूँ या फिर मैं चार गज की तरह चार करूँ आज मर। किताब में कुछ लिखा है ऐसा कहा उसने, क्या बोला, एक मीम मेरे को याद आ रहा, मेरा बाप जाने का चार बारा धक्के से लगके पे माँ बाप पे चार खारा, आज मेरे को समझा मैं क्या करा क्यों करा, हट कुन से दूर करा, मजबूरी में गुल बना डूड बना, तभी जाके घर पे मेरे दो टाइम का फूड बना क्यूट बना चेकना। साफ साफ लिखेला कुरान में सब बना, जीना बहुत गुना बहुत सुना, शैतान मेरा दोस्त बना, मैं क्या करूँ केयर करूँ पैर बढ़ू फोन ऑफ करूँ या फिर मैं चार गज की तरह चार करूँ आज मरूँ कल मरूँ फर्क नहीं पड़ता किसको किसका, फिर भी मैं शेयर करूँ आज तक फिर उल्ला में अल्लाह से मांग लेता माफ़ी, उस बाकी मांग रहा मैं माफी मैं बनेला हक से तू बनेला लक से, ऊपर वाला क्यों हर टाइम हमको बख्शे, रमजान के महीने में बन बच्चे लोग मस्ते हंसते फंसते तुम भूल गए रस्ते, ईमान को बेच के जा नमाज पे बैठे ले शैतान आज ताज मेरे सिर पे परेशान, हर एक फिर के मैं को लेकर उनको मालूम कभी चेंज नहीं होने वाला, मैं सच पसंद तो हज पसंद कर, जितने भी बातें बोली सब हजम कर, रात को लगता तो बाप को पूछ, मेरे शायद से तूझ नहीं मंगता मेरे को कुछ, बस मांग रहा मैं माफी अपना दिल साफ करो माफ करो, अगर हो सके तो मेरे को दुआ में तुम याद करो, खुदा हाफिज। सबसे पहले तो यार सबसे पहले थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये गाना रिकमेंड किया है मुझे, कि मुझे इतनी अच्छी बातें एमसी स्टैन को लेके जानने को मिली कि भाई मतलब भाई गलत नहीं है यार, वो अपनी जगह कहीं से गलत नहीं है, उसको गलत बोलना मतलब खुद पे फिंगर आउट करना, क्योंकि अगर हम किसी को एक उंगली दिखाते तो चार अपने पे आती है। तो भाई बहुत प्यारी प्यारी बातें बोला है इसमें, गाना बहुत प्यारा था, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोली गई हैं उसमें, उसे पता है क्या गलत है क्या सही है, तो हमें उसको बताने की ज़रूरत नहीं है,
वो इस चीज़ के लिए अल्लाह से माफ़ी भी मांगता है, खुदा से मांग रहा मैं माफ़ी। लिटरली यार मेरे को ना गूज़बम्स आ गए उस वाली लाइन पे भाई, कि जब मैं जाता हूँ तो मुझे अंदर जाने ही नहीं देते भाई। यार कसम से बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग लाइन था वो यार, कंट्रोल करके मैं, मेरे को आंसू आ जाते भाई कसम से। बहुत प्यारा गाना था, बहुत ज़्यादा प्यारा गाना था, मुझे बहुत अच्छा लगा स्टैंड का ये गाना मेरा। अब मैं अगर बोलूँ ना तो स्टैंड के गाने मुझे कौन से अच्छे लगते, तो भाई ये आज तक फिरोला ही आएगा सबसे ऊपर के भाई। बहुत अच्छा गाना था, बहुत ज़्यादा बहुत प्यारा। अभी तक मैं एमसी स्टैंड के जितने भी गाने सुनी हूँ ना, तो उन सब में से बहुत प्यारा था। इसका कोई कंपेयर ही नहीं है कि इस गाने से मैं कंपेयर कर दूँ इसको। तो बहुत प्यारा गाना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। रिएक्शन करके थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये सॉन्ग रिकमेंड किया। तो अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।